एयरटेल के सिम को जियो में कैसे पोर्ट किया जाता है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पोर्ट कराने के लिए कोई भी सिम आपको सबसे पहले पोर्टिंग कोड मंगाना होता है। अब पोर्टिंग कोड आप कैसे मंगाएंगे, तो आपको मैसेज बॉक्स ओपन करना है और आपको एक मैसेज यहाँ पर टाइप करना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है 1900 लिखना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पोर्ट। ठीक है, पोर्ट लिखेंगे PORT पोर्ट, उसके बाद सिंगल स्पेस लगाएंगे और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको इसे सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये मैसेज आपका पोर्ट और ये नंबर यहाँ पे मैसेज सेंड हो जाएगा और आपको वापस में तुरंत मैसेज आएगा 1901 से। वो मैसेज कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। 1901 से एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो मैसेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पोर्टिंग कोड हैं, तो आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा, पोर्टिंग कोड जो होता है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस कोड को मतलब सुरक्षित रखना है अपने फ़ोन में। और आपको देखिए, अगर ये पोर्ट वाला मैसेज आपके फ़ोन से सेंड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर पोर्ट वाला मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके मोबाइल की वैलिडिटी ख़त्म हो। तो इस कंडीशन में मैसेज सेंड नहीं होगा तो आपको कम से कम 99 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे कि आपके फ़ोन में मैसेज वाले जो सुविधा है वो चालू हो सके। उसके बाद आप पोर्ट मैसेज करेंगे और पोर्टिंग कोड को लेकर आपको जाना है अपनी मार्केट में या फिर किसी रिटेलर के पास में, और उसको वो पोर्टिंग कार्ड जो पोर्टिंग कोड है वो आपका ले लेगा और आपको अपना आधार कार्ड वगैरह दे के उसको जो आपका सिम है वो हैंड टू हैंड आपको दे दिया जाएगा। वो 2-3 दिन में, 2 से 3 वर्किंग डेज में चालू कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।